फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में, मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालेगांव शहर में पिछले 3 साल से ठेका पर काम कर रही प्राइवेट बिजली कंपनी MPSL की ज्यादतियां उरूज पर हैं। शहर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली पावर लूम सनद बर्बादी के दहाने पर आ पहुंची है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कारखाना दार अपने लूम भंगार भाव बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पर सितम यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिस्ताक ये कंपनी अपनी हरकतों की मुखालफत होने पर पुलिस के अमले का सहारा लेती है। कंपनी की ज्यादतियों के खिलाफ मालेगांव शहर सेंट्रल हलके के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने पिछले माह हुए अजलास में कंपनी की कारकर्दगी पर सख्त एतराजात उठाए, जिसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें भी इस तरह के हालात और कंपनी की ज्यादतियों का इल्म है। इन तमाम शिकायतों के बावजूद बिजली कंपनी बजाय अपने कामों को सुधारने के एक बार फिर पुलिस के आला काम से बिजली कंपनी को पुलिस प्रोटेक्शन देने की गुजारिश कर रही है। इस बात का इल्म मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और मालेगांव पावरलूम कंज्यूमर एसोसिएशन को हुआ, तब इन सभी लोगों ने जिला नासिक ग्रामीण SP शाहजी उमाप से मुलाकात की और सारे हकायक उनके सामने रखे। मुलाकात करने वाले वफ्द में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, यूसुफ नेशनल वाला, साजिद अंसारी, उमैर अंसारी, खालिद सिकंदर, इखलाक बाले मुकदम और हबीब मियाँ जी के नाम शामिल हैं। ऐसी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे मानव समाचार के साथ। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।